जहाँ सभी के मल्टी वेरियंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग हल्क को ही कोई पीछे छोड़ दें। अभी तक हम लोगों ने स्पाइडरमैन के मल्टी वेरियंट्स देखे, डॉक्टर स्ट्रेंज के भी देखे, कई ऐसे ऐसे अलग और चीज देखे जिनके भाई मल्टी वेरियंट हमें देखने को मिले, चाहे वो इस यूनिवर्स के हों चाहे दूसरे यूनिवर्स के। फाइनली हम आ गए अपने हल्क के पूरी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, वो कितने प्रकार के हैं। तो जहाँ तुम्हें मैं थोड़ी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमें अभी तक केवल 51 हल्क के बारे में पता चला, जिसमें से कई अलग अलग तरह के हैं, लेकिन अभी हम बस इस वीडियो में केवल 10 हल्क के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको और चाहिए होंगे हल के बारे में तो आप इस वीडियो को प्यार देना, तब हम आपको अगले हल का दूसरा पार्ट लाकर देंगे जिसमें हमें और हल के बारे में बताएंगे। लास्ट में आपको मैं तकरीबन 30-35 हल के नाम गिना दूंगा, लेकिन बस अभी हम डीपली बात करेंगे सिर्फ 10 हल के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे पहले हल से, जिसको आप जानते होंगे ब्रूस बैनर, जो कि भाई 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था एमसीयू की तरफ से, जिसको अभी तक आप लोगों ने देखा है कई वीडियो से वो गुजरता हुआ चला आया। पहले कुछ सैद था, फिर थोड़ा स्मार्ट हुआ, फिर एकदम स्मार्ट हुआ, फिर एकदम चोदू होता चला गया। तो पहला हल्क वही था जिसको ना जानते हो, डॉक्टर ब्रूस बैनर। और उसके बाद जो सेकेंडरी बनी अपनी सी हल्क, जिसके बारे में तुम जान ही रहे हो, उसी की कजन है और उसी के डीएनए से ये भी बनी है। इसके अंदर भी गामा रेडिएशन है, लेकिन ये उससे कमजोर है और ये उससे ज्यादा ही स्मार्ट बनती है। ऊपर से एक लॉयर है, जो कि तुमने सी हल्क सीरीज में पूरा उसके बारे में देख लिया है, किस तरह की अपनी पावर्स है, कितनी लिमिटेशन है। और वो यंग एवेंजर्स में भी बनेगी, तुम्हें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगी। तुम्हें मूवी या टीवी सीरीज है जिसका नाम है थंडरबोल्ट, उसमें तुम्हें फाइनली वो देखने को मिल जाए। इन सबके बारे में तुम जानते ही हो। जो तीसरे नंबर पे आता है अपना अबोमिनेशन, जिसके बारे में तुम जान ही चुके हो, तो हम लोगों ने एक इनक्रेडिबल हल्क में देखा था जहाँ पे वो काफी खूंखार लग रहा था, लेकिन जब उसको सी हल्क सीरीज में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया वॉम के साथ, अंक्षी में भी दिखाया, तो वहाँ पे ये थोड़ा जंगली टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसके कान वान भी बड़े कर दिए गए हैं, इसकी पावर लिमिटेशन भी बड़ी है, साइज में भी काफी बड़ा है हल्क से। जैसे तुमने सी हल्क सीरीज में साफ साफ देखा लास्ट 9वें एपिसोड में, तो इतना समझो कि ये वाला जो अबोमिनेशन है इसके पास भी काफी पावर्स हैं, ये भी अपने ऊपर फाइनली कंट्रोल पा चुका है और ये भी तुम्हें थंडरबोल्ट में ही देखने को मिलेगा आने वाली सीरीज में। अब हम आते हैं अपने चौथे नंबर, जो भाई स्कार है, हल्का लड़का, जो कि स्कार ब्रांड पे हुआ था। इसकी माँ का अभी भी अता पता नहीं है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस इतना जानो कि ये हल्का लड़का है और इसके पास चोटी है, लिमिटेशन है, काफी स्मार्ट है और हैंडसम भी देखने को मिलता है। पावर सबकी सेम है, एजिलिटी है, स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है, टेंशन है, यही सब पावर है सबके पास, जिसके बारे में तुम जानते हो क्या क्या पावर होती है। हल्के बारे में गुस्सा आता है, बड़ा हो जाता है, तो सारी पावर लिमिटेड है, बस खाली उनके वेरियंट बदले हुए हैं। और पांचवें नंबर पर जो आता है वो अपना आता है रेड हल्क, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा कुछ भी। और मैं बता दूं, ये वही होने वाला है जो इनक्रेडिबल हल्क में अपना कैप्टन रहता है आर्मी का और पड़ा रहता है इनक्रेडिबल हल्क के पीछे कि इसे मारना है। वो भी एज अ सीरम पाके रेड हल्क में बदल जाता है और वो भाई आर्मी एजेंट है और वो देखने को मिलेगा अपने को इन थंडरबोल्ट वाली सीरीज में, क्योंकि इन सब में सारे चमन चूतियों को बनाकर इसे सीरीज बनाई गई है और इसके पास भी काफी पावर है और ज्यादा ये गुस्सैल है। ये नॉर्मल हल्क के मुकाबले इसमें दिमाग की काफी कमी है, लेकिन ताकत से भरपूर है। तो इतना जानो कि रेड हल्क नाम नहीं, तुम्हें समझ में आएगा क्या इसकी एबिलिटी होने वाली है। अब जब छठवें नंबर पे आते हैं तो अपना इविल हल्क आता है, जो भाई नाम में ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, गुंडागिरी इसके रग रंग में भरी है और ये काफी माइंडलेस हल्क है। इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, अपने आप वालों को भी लगा देता है, किसी को नहीं सोचता है जब ये गुस्से में आता है। और इसका साइज भी काफी बड़ा हो जाता है, नॉर्मल हल्क की तरह नहीं दिखता है, ये बौरा आ जाता है जब अपने फॉर्म में आता है। इसके बड़े बड़े बाल भी होते हैं, काफी भयानक दिखता है। तो सारी पावर सेम, लेकिन इसमें भाई स्टेंसिटी है बहुत ज्यादा, ड्यूरेबिलिटी है, काफी ज्यादा वजन ला सकता है और इसने काफी बड़े बड़े ऐसे प्लैनेट को तोड़ दिया, बड़े बड़े एलियंस तक से भिड़ चुका है इविल हल्क। सातवें नंबर पे आता है वो भाई काफी ऑसम करेक्टर है, जिससे तुम जानते होगे स्पाइडर हल्क। अब कहोगे बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन नहीं, ये अल्टरनेट वर्जन का हल्क है जिसके अंदर स्पाइडर की पावर है, लेकिन साथ में हल्क भी है। तो तुम क्या सोच सकते हो कैसा लगेगा ये करेक्टर, लेकिन जो भी है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, तुम्हें शायद फ्यूचर में देखने को मिल जाए, इसीलिए मैं ऐसे ही 10 वेरियंट लाया हूँ जिसे तुम जानो या फ्यूचर में देखने को तुम्हें मिलेगा। स्पाइडर हल्क की पावर भी सेम है, तुम समझ लो स्पाइडर हल्क की पावर मिला लो आपस में, स्पाइडर की पावर काफी ज्यादा ऑसम है, साथ में हल्क मिल जाए तो और भी लाजवाब है। लेकिन जो अपना आठवां हल्क का वेरिएंट है वो उससे भी ऑसम है, हल्क पूल, डेडपूल का मिक्सचर करके इसको बनाया गया और इसमें काफी ज्यादा पावर है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेबिलिटी की तो बात ही खत्म करो, और रीबॉर्न पावर डबल हो जाती है। हल्क के पास भी रीबॉर्न पावर है, तुम्हें पता ही है, उसे मार दो काट दो फिर से पैदा हो जाता है, लेकिन जब उसके अंदर डेडपूल की पावर आ जाए तो कितना ऑसम करेक्टर हो जाएगा। साथ में ये भी सोचो तलवार भी चलाता है, तलवार उसने छोड़ी नहीं है, साथ में हल्क की पावर है तो हल्क पूल बन गया। और जो अपना 9वें नंबर पे आता है वो है जॉय फिक्सिड, या बोलो ग्रे हल्क। ये भाई सबसे वीकेस्ट है, ये बस 100 टन ही उठा सकता है, लेकिन ये भी एक बंदा स्मार्टेड है, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, एज अ भाई लॉयल्टी जीवन जीता है भाई, कोट पैंट पहन के रोला जमा के रखता है और इसके खुद की 6-7-8 गर्लफ्रेंड भी है, तो पूरा मजे मारता है। पर भाई ये काफी वीकेस्ट, सबसे वीकेस्ट हल्क में से एक है, जिसको भाई रात में पावर मिलती है जब ये चांद का देखा है, ऐसा समझो इसके पास मून नाइट टाइप की पावर है, रात में काफी ताकतवर हो जाता है लेकिन दिन में इसकी फटती है।
तो जनरली तुम समझो सबसे वीकेस्ट हो, सबसे स्ट्रॉन्ग अगर हल्क के बारे में जानना है तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट करना और इसको काफी ऑसम प्यार देना, तो मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा। और 10वें नंबर पे पहुंचते हैं जो कि है भाई टोटल ऑसम हल्क। ये भाई अमीर भी है, हैंडसम भी है, बॉडी बिल्डिंग भी करता है काफी ऑसम। इसमें सारी एबिलिटी है जो तुम एक ऑसम लड़की में ढूंढ रहे हो, तो ये भाई पूरा स्मार्टेड हल्क है, सारी एबिलिटी इसके अंदर भी समाई हुई है। तो भाई काफी स्मार्ट है और अपने यहाँ का नहीं, इसको चाइना रिप्रेजेंट करता है, चाइना का कैरेक्टर है, वहीं से उठाया गया इसमें। और जो इसके और मल्टी वेरियंट है उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए HBT एक्सप्लेन और इसको दबा के प्यार दीजिए ताकि हम इसका दूसरा पार्ट लाएं। तब तक लटके रहिए हमारे चैनल पर।